हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफी बड़ी न्यूज जो है वो निकल कर सामने आ रही है। इंडिया को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले हैं 2000 करोड़ के, जिसके अंतर्गत अर्मीनिया को सप्लाई करने हैं कई आर्म्स एमिनेशन, साथ में स्पेसिफिकली पिनाका रॉकेट्स की बात यहां पर करी गई है। बाकी मिसाइल को भी मेंशन किया गया है, पर कौन सी मिसाइल है इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। हो सकता है मिसाइल्स यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स हों, जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो अर्मीनिया को अभी काफी ज्यादा है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट का सहारा लिया गया और ये इसी महीने साइन किया गया था। बाकी ये बात भी बता दें कि ये जो 2000 करोड़ की अमाउंट है, ये एस्टिमेटेड अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट के बारे में जानकारी जो है वो बाहर नहीं है। तो पिनाका रॉकेट जो है वो इंडिया द्वारा पहली बार एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। बाकी इंडियन आर्मी द्वारा 6 एडिशनल पिनाका रॉकेट की रेजिमेंट्स के ऑर्डर जो हैं वो दिए गए हैं। साथ ही साथ इंडियन आर्मी द्वारा एक्सटेंडेड रेंज पिनाका रॉकेट्स भी टेस्ट किए जा रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों की रिपोर्ट्स में देखा है। तो अर्मीनिया के साथ जो पहली डील हुई थी वो स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को लेकर हुई थी, जो कि 2020 में हुई थी, जिसके अंतर्गत 350 करोड़ का ऑर्डर जो है वो दिया गया था इंडिया को। उसके बाद ये डील हुई है जो कि बंडल डील कही जा रही है और उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग पिनाका रॉकेट्स। तो पिनाका रॉकेट्स की अगर बात करें तो ये DRDO द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किए गए हैं और ये 214 mm के रॉकेट्स हैं, जो कि 40 किलोमीटर तक की स्ट्राइक रेंज देते हैं। तो अपने कैलिबर के हिसाब से ये जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी है। बाकी इसके कई वर्जन्स भी हैं, जिसमें मार्क 2 है जिसकी रेंज 60 किलोमीटर की बताई जाती है, फिर एक्सटेंडेड रेंज वर्जन्स हैं 122 mm के, जो कि 40 किलोमीटर तक के हैं, फिर मार्क 1 एनहेंस्ड हैं जो कि 45 किलोमीटर तक की रेंज देते हैं, फिर मार्क 2 के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन आते हैं जो कि 90 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करा देते हैं, जिनकी टेस्टिंग अभी चल रही है। तो ऐसा लगता नहीं है कि जिसकी टेस्टिंग चल रही होगी वो रॉकेट्स ऑर्डर किए गए होंगे। बाकी यहाँ पर गाइडेड पिनाकास भी हैं जो कि 75 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये अभी समझ पाना काफ़ी मुश्किल होगा कि किस तरह के पिनाकास जो हैं वो ऑर्डर किए गए हैं। पर अगर यहाँ पर ये हम मान के चलें कि सबसे लेटेस्ट पिनाकास ऑर्डर किए गए हैं, तो मार्क 2 ही ऑर्डर किए गए होंगे जो कि 75 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कराने में सक्षम है। एक्यूरेसी की बात करें तो क्योंकि ये रॉकेट्स हैं तो आपको 7 से 60 meters CEP की एक्यूरेसी मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है, पर अनगाइडेड रॉकेट से आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। तो इन रॉकेट्स में डिफरेंट तरह के वॉरहेड्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं, चाहे वो एंटी टैंक के लिए हो, एंटी पर्सनल के लिए हो, चाहे वो क्लस्टर म्यूनेशंस हो या फिर हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशंस हो। तो ये एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर दोनों रोल परफॉर्म करने में सक्षम होंगे, डिपेंडिंग ऑन जो रिक्वायरमेंट है। तो ये अर्मीनिया के BM-21 Grad, जो कि 122 mm के रॉकेट्स हैं, उनके कंपैरिजन में एक्सटेंडेड रेंज और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन को प्रोवाइड कराने में सक्षम होगा। लेकिन अगर हम अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में हो रही लड़ाई को देखें तो ऐसा लगता है कि इनके रिक्वायरमेंट बेटर एयर डिफेंस सिस्टम्स की ज़्यादा है, क्योंकि इनको मैक्सिमम नुकसान जो हुआ है वो अजरबैजान के ड्रोन्स और लॉयटरिंग म्यूनिशन से हुआ है। वहीं पर अगर हम अजरबैजान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज से कंपेयर करें अर्मीनिया की, तो अजरबैजान की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो अर्मीनिया के कंपैरिजन में काफ़ी आगे हैं। इनके मैक्सिमम इक्विपमेंट्स जो हैं वो इसराइल से आते हैं, जिसमें इनके पास बराकेट और आयरन डोम जैसे सिस्टम्स पहले से ही मौजूद हैं। यहाँ तक कि इनके पास इसराइली Arrow 3 मिसाइल भी है, जो कि एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को आर्म्ड करने के लिए अर्मीनिया की जो GDP है वो सपोर्ट नहीं करती है। अर्मीनिया की जो GDP है वो $13.44 billion की है, वहीं पर जो अजरबैजान की GDP है वो $73.363 billion की है। पॉपुलेशन में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों कंट्रीज़ के, तो ये चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी। अर्मीनिया की जो पॉपुलेशन है वो खाली 29 lakhs की है, वहीं पर हम बात करें अजरबैजान की तो ये 1 crore की है। देखें तो दोनों कंट्रीज़ में अनफेयर कंपैरिजन है। भले ही पॉपुलेशन अर्मीनिया की कम हो, अगर उनकी GDP अच्छी खासी होती तो वो एक बेटर मिलिट्री जो है वो रख पाते और अपने आप को बचा पाते अजरबैजान से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है और दोनों की मिलिट्री में बहुत बड़ा डिफरेंस है। भले ही इंडिया के साथ इन्होंने ये डील करी हो, लेकिन फिर भी जो बड़ा डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। ऑल दो थोड़ा फ़र्क जो है वो कैपेबिलिटीज़ में पड़ेगा, पर ये बहुत ड्रास्टिक चेंज जो है वो लेकर नहीं आएगा। हमारा पर्सनली ये मानना है कि अर्मीनिया जितने भी बजट को एलोकेट कर सकता है उसे मैक्सिमम अपने एयर डिफेंस में, साथ ही साथ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स और एंटी टैंक सिस्टम्स में करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अजरबैजान को देखें तो इनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। इनके द्वारा इजरायली Green Pine रडार को भी यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी लॉन्ग रेंज में एयर टारगेट्स को, यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकते हैं।
बाकी जो आयरन डोम है उसकी परफॉर्मेंस को हम रॉकेट्स के अगेंस्ट में देख ही चुके हैं। तो आर्मेनिया को यहाँ पर और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इंडिया डेफिनेटली सपोर्ट जो है वो और प्रोवाइड करा सकता है। बराक 8 के अगेंस्ट में यहाँ पर MRSAM प्रोवाइड कराई जा सकती है। ग्रीन पाइन रडार के अगेंस्ट में यहाँ पर स्वॉर्ड फिश रडार जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। यहाँ तक कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली पैसा लगेगा जो कि आर्मेनिया फिलहाल खर्च करने की पोजीशन में नहीं है। आई होप यहाँ पर चीज़ें क्लियर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।